हे गाइस, बैक विथ हाइड्रा ई स्पोर्ट्स अपडेट वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं अपथ्रस्ट के मल्टीवर्स सीरीज़ की, जो आज से स्टार्ट हो रहा है। इसमें टीम हाइड्रा भी इनवाइटेड है एंड ये इवेंट टोटल 10 डेज चलेगा। 8 से 12 तारीख तक सेमीफाइनल्स के मैचेस चलेंगे, जिसमें टोटल 24 टीम्स रहेंगी एंड 13 से 17 तारीख तक ग्रैंड फाइनल्स के मैचेस चलेंगे, जिसमें टोटल 16 टीम्स रहेंगी। गाइस, इसके बाद ऋषभ ने कल का हाइड्रा वर्सेज गोल्डलाइक एंड हाइड्रा के दो चिकन डिनर पर भी रिएक्ट किया है। एनटीएक्स निंजा जॉर्ड एंड स्पोर पर भी रिएक्ट किया है, वो आप देखिए। और एक प्लेयर यहाँ पे ये फाइट अच्छी निकाली थी, ये पुश करने का मन बना चुके हैं। ट्रिगर के ऊपर एक ग्रेनेड गया, काफी अच्छा डैमेज देगा, अच्छी निकाली थी ये वाली फाइट। शायद से आपको ये कनेक्शन बनाता हुआ देखने को मिले, एक और ग्रेनेड गया लेकिन कनेक्शन नहीं बनेगा वहीं पे। स्पर्श उधर से एंटिटी कवर देता तो हाइड्रा की टीम वो टू बैक अपने लिए फिनिशेस निकालती हुई। एक टीम से मन नहीं भरा, दो ट्रिगर ने बढ़िया मारा ब्रो, यहाँ पे बहुत बढ़िया मारा। अब एक शेयर परफॉर्मेंस, मतलब ये ट्रिगर वन ऑफ द ओजी है, बहुत टाइम से है और अभी तक बहुत बढ़िया खेल रहा है भाई। आप चला के आप जाओगे, चीजें आपके लिए मुश्किल हो भाई। यहाँ पे अपने दो बंदे मर जाते, मेरे को लगा थोड़ा सा एंटी हो जाएगा। अच्छा मारा जोनाथन ने यहाँ पे, अच्छा नेट था, फुल कुक्ड, अच्छा नेट था, बढ़िया मारा। और इसी के साथ गॉडलाइक, बट इसके बाद हमारे बंदों ने थोड़ा ज्यादा बढ़िया मारा, चार फिनिशर्स पॉइंट निकाले। हैशटैग 3PP45 लाख, मतलब नहीं समझा। क्लच जरूर से किया और इसी चीज की जरूरत थी, यही विंटेज गॉडलाइक की डिमांड थी। यहाँ पे चार 45 लाख लिखा है, अबे 20,000 15,000-20,000 होगा गाइस। एक एक करके निकाल रहे भाई, पूरा सप्रेस थे अपने वाले लॉन्डे। देखो इनपे पूरा जोन है, स्टार बॉय भी नॉक, इनपे पूरा जोन है गॉडल पे। देखने को मिलेगी और वो दो टीम डोरा ने जो यहाँ पे खेला है गाइस, शायद हील बैटल करते नजर आ रहे। देखिए वो भी टॉप फोर में आ चुके हैं बिना इतना तामझाम। डोरा ने यहाँ पे मेरे को वो दिलवा दिया गाइस, क्या बोलूं, जो सब बोल नहीं सकता। पॉइंट भी रहेगा और प्लेस पॉइंट भी रहेगा, वो दोनों चीजें रहेंगी जिनकी बहुत सख्त जरूरत रहने वाली है। बट अभी के लिए लेवल 3 का हेलमेट लिया गया है और जोनाथन की तरफ से यहाँ पर पीछे अल्टू, ये लीजिए, शायद अल्टू को स्पॉट कर लिया जोनाथन ने। जी नहीं, इनको स्पॉट नहीं करेंगे। शेर के सामने जोनाथन शबा शेर, ये बनना पड़ेगा वरना। देखो गाइस, अपने दो बंदे बचे, एक तो भेज के यहाँ गुलदस्ता बना पड़ा है, और क्या भाई, मैं कुछ नहीं बोल। यहाँ पे जो शेर ने दिया है भाई, बढ़िया। तीन खिलाड़ी मौजूद मेडल के ट्रॉफी के लिए वापस, ठीक है जोनाथन आदित्य, मेरा अकाउंट खरीदा हुआ, बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों के ऊपर। आल्टू को देखा है? जी नहीं, आल्टू को देखा नहीं। और हाइड्रा का ये शेर किस तरह से इतने महंगे महंगे स्कोप्स खरीद रखे हैं इसने, ये देखना पड़ेगा। और ये लीजिए 1500 का तो रेड डॉट है, बड़ा मस्त मारा गाइस यहां पे। जेली की तरफ शेर तो यहाँ पे दहाड़ रहा था गाइस, मतलब हर गेम एक ना एक बंदा चल जाता है गाइस। हम फुल डोरा को गाप दो अबे, ये बहुत चालाकी के साथ वहाँ पे, यहाँ पे आप प्रेजेंस ऑफ माइंड देखो गाइस, प्रेजेंस ऑफ माइंड देखो। यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड देखो गाइस, ये वाला सिर्फ आप ये वाला पीओवी देखो जिसमें डोरा खेल रहा है। एक और बार जोनाथन को करेगा टेक डाउन। अभी ये देखो यहाँ पे आदित्य दिखेगा, नेड कैंसिल, कॉन्फिडेंस है भाई। ओहो हो, ओहो हो, स्प्रे गॉड मार देगा उसको। यहाँ पे तीन खिलाड़ियों को पछाड़ेंगे टीम हाइड्रा चिकन डिनर, वो भी शेर का ही खेलता, मतलब डोरा ही मार देता 1v3, लेकिन स्प्रे गॉड भी है भाई। गाइस जितने भी लोग देख रहे हैं गाइस, एक बार सभी से सब्सक्राइब बटन, अच्छा अरे भाई कास्टिंग तो है ये जो नई ब्लाइंड टीम है गाइस, सबको कर देंगे ब्लाइंड, सोल निकालेगी दूसरों का सोल, हाइड्रा का ड्रैगन करेगा सबके दिल में छेद। वाह वाह, क्लच की तरह नजर आ रही है, चारों फिनिशर पॉइंट उन्होंने निकाले तो शायद एक 1v4 क्लच देखने को मिला। बट यहां पे ये बैटल अभी के लिए ब्लाइंड वर्सेस हाइड्रा का देखने को मिलेगा। टीम एंटिटी खतरे में, गमला बॉय कोशिश कर रहा है, बढ़िया मारा हेड मेरे ने, कहीं ना कहीं वो कवर देखने को नहीं मिला। अब भी टीम हाइड्रा को एक और मौका मिलेगा, बढ़िया गाइस। सबसे क्रूशियल पोजीशन पे था अपना स्टार बॉय, देखो अभी भी जोन के बाहर है, इधर नहीं, ये तो अपने बंदे वो जोन में अकेला, बहुत अच्छा होल्ड किया उसने। अभी पता है अचानक से मेडल की टीम चढ़ जाएगी, क्योंकि उनको पता नहीं था डाउन कर पाएंगे। सही टाइम पे ब्लाइंड ने पुश कर दिया,
पोजीशन गेम था गाइस, पोजीशन बहुत बढ़िया थी, मतलब ऐसा एज मच कुछ एफर्ट नहीं लगा इस गेम में, मेन एफर्ट था होल्डिंग प्यारा टट्टी की पोजीशन की वजह से, हाँ एग्जैक्टली उसके पोजीशन की वजह से चिकन आया नहीं, बाकी हमारे बाकी बंदों ने आने भी नहीं दिया दूसरों को इंटर, स्पर्श ने कैसा दिया है धप से, तो उसको हार्ट अटैक आया होगा। केवल दो टीमें हमारे सामने, एक है हाइड्रा और एक है रेवेनेंट, तूफानों से जूझने वाली कश्ती अक्सर पता है इतना हरामी है, गॉड दो गोली मारता था आगे जाके लेट के फिर पीछे आ जाता था कवर में कि बस बंदे को लगे यहाँ कोई है हम आ नहीं पाएंगे। भाई बुरा नहीं बोलना चाहूंगा पर यार बेचारा फुल दिख रहा है कि देखो चेहरा देखो भाई फुल सांस रोक के सब रोक के बैठा है, मतलब अच्छी वीडियो बनाने के चक्कर में जबरदस्ती का लग रहा है, साफ लग रहा है भाई कि बेचारे की फट रखी है भाई, पानी से निकल रहे हैं। निंजा वही है बढ़िया, सच बताओ अच्छा था गाइस, बट मतलब पता नहीं वो वाइब नहीं आई यार गाइस, वो एकदम फ्लुएंट वाइब होती है ना इसी चीज की, हाँ भाई वो वाली वाइब नहीं आई गाइस इस वाले में, जा सबसे क्रूशियल नकुल खेलता है बढ़िया। दो तीन बार देखा था, इतना प्यारा एडिट किया ना, बहुत प्यारा भाई, मजा आ गया लिटरली, बहुत प्यारा एडिट किया, बहुत प्यारा लिटरली, मतलब जब तुम्हारा गेमिंग राइवल तुम्हें कॉम्प्लीमेंट करे तो सच में बहुत अच्छा है, गेमिंग राइवल इन द सेंस कॉम्पिटिटिव सिनेरियो में गाइस, बाकी किसी वे में नहीं, क्लियर कर देता हूँ ना वरना बोलेंगे भाई अंशु राइवल समझ बैठे, गेमिंग राइवल इन कॉम्पिटेटिव सिनेरियो में। सो गाइस फिलहाल के लिए इतनी अपडेट्स से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हेलाइड्रा। सो गाइस वीडियो को प्लीज लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, हेलाइड्रा।